ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। संगम युग का श्रेष्ठ अवसर स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। उसने कह दिया है, बच्चे मन के सारे बोझ मुझे देकर तुम हल्के हो जाओ। और एक बहुत ही सुंदर बात कह दी, जो बाप सारे संसार के बोझ उठाता है, क्या वो अपने बच्चों के बोझ नहीं उठाएगा? विश्वास करें अपने प्यारे पिता की शक्तियों पर, उसके वचनों पर, और सच्चे मन से अपने मन के बोझ उसे अर्पित करने लगे। समर्पणता में ये भी एक सुंदर तरीका है कि मन की सारी टेंशन, मन के सारे बोझ, जीवन की सारी समस्याएं उसके हवाले करके निश्चिंत होकर जीवन जिए। ये रहस्य है। कई लोग क्या करते हैं कि जीवन की समस्याएं बाबा को तो दे देते हैं, लेकिन चिंताएं खुद करते रहते हैं। बोझ तो अर्पित कर देते हैं, लेकिन मन फिर भी भारी रहता है। तो ऐसे में समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि रहस्य यह है कि जब हम मन के बोझ और चिंताएं बाबा को अर्पित करके हल्के हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, तभी बाबा की शक्तियां और उनकी प्रेरणाओं को हम कैच कर सकेंगे और तभी हमारा जीवन निश्चिंत हो सकेगा, समस्याओं से मुक्त हो सकेगा। अगर चिंताओं में हम पुनः ग्रस्त हैं तो बाबा की प्रेरणाएं हम तक पहुंचेंगी नहीं, तो हल भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए बाबा की इस बात को कि बच्चे अपने फिकर सारे मुझे देकर तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ, फिकर मुझे देकर फकुर ले लो। और सबसे बड़ा फकुर यही है, कौन मिला है, किसने साथ देने का वचन दिया है, कौन हमारी समस्याओं को हर रहा है, कौन हमारे सिर पर आकर छत्र छाया बन गया है, कौन हमें हाथ पकड़ के चला रहा है, राह दिखा रहा है। ये सुंदर अनुभूति करते हुए बेफिक्र बादशाह बन जाएं। यहाँ के बेफिक्र बादशाही जन्म जन्म के बादशाह बनेंगे, क्योंकि जो निश्चिंत है, जो बेफिकर है, वही बहुत शक्तिशाली है। जो चिंतित हैं, जो भयभीत हैं, जो परेशान हैं, वो तो मन से बहुत कमजोर हैं। इसलिए शायद आप ये भी सोचते हो कि हमें भविष्य में कुछ नहीं चाहिए, हमें तो वर्तमान में जीवन का आनंद ही चाहिए। तो उसके लिए भी अपने को बेफिक्र बादशाह बनाना परम आवश्यक है। तो आइए हम रामा के ज्ञान को याद करते हुए स्वयं को बहुत हल्का कर दें, बहुत हल्का, जैसे कि बाबा का हाथ पकड़कर, सर्वशक्तिमान को साथी बनाकर हम जंगल के राजा शेर की तरह इस कांटों के जंगल कलियुगी संसार में विचरण कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर स्थिति होगी। तो सारा दिन आज हम ये याद रखेंगे कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, और कोई भी मन पर बोझ हो तो एक बार में यदि आप निश्चिंत नहीं हो पाते तो बार बार ऐसा अभ्यास करें कि बाप दादा सामने हैं और हम अपने बोझ की गठरी बांधकर बाबा को दे रहे हैं, लो बाबा, और उधर से बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैंने तुम्हारे बोझ ले लिए, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं आपे ही उचित समय पर इन सब को ठीक कर दूंगा। ये अभ्यास हम बार बार करेंगे और साथ साथ बहुत प्रैक्टिस करेंगे विद गुड फीलिंग कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अर्थात मैं बहुत शक्तिशाली हूँ।
मेरे साथ स्वयं भगवान है, इसलिए यदि मैं ही निश्चिंत नहीं होऊंगा तो संसार में भला और कौन होगा। ऐसे अनुभव से सारा दिन आनंद में बिताएंगे। ओम शांति।